अस्सलाम वालेकुम, आदाब, कैसे हो दोस्तों। फिर से एक सेशन हम आप बात करेंगे। आज का सेशन हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स। इन्फ्लुएंजा आपको पता होगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, ब्रेथलेसनेस, दम लगना। इसको जो है हम ऐसे जो सिम्टम्स हैं फीवर, इसमें हम इन्फ्लुएंजा इसको कहते हैं। तो इस इन्फ्लुएंजा में विच मेडिसिंस, आयुर्वेदिक मेडिसिंस कौन कौन से उपयोगी हैं इन्फ्लुएंजा जो सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स है, इसमें हम कौन कौन से आयुर्वेदिक मेडिसिन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इन्फ्लुएंजा मतलब एक वायरल डिसीज, वायरल वायरल इन्फेक्शन से जो इन्फ्लुएंजा हमें तैयार होता है, सर्दी, खांसी, बुखार और कफ और ब्रेथलेसनेस ये जो तैयार होता है, उसके ऊपर हम कौन कौन से आयुर्वेदिक ड्रग वापर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर हमें कफ है तो हम वहाँ पे वासा सिरप, वासा वासा से जो बना हुआ है, वासारिष्ट नाम का सिरप आता है, उसमें अलग अलग कंटेंट होते हैं, वो वापर सकते हैं। या सिंपली एक पाउडर मिलता है जिसको हम सीतोपलादी चूर्ण कहते हैं। सीतोपलादी चूर्ण जो है, ये चार पांच कंटेंट का, इसमें खड़ी शक्कर वगैरह इसे चार पांच कंटेंट उसमें रहते हैं, तो वो इसमें सीतोपलादी चूर्ण भी हम जो है शहद के साथ जो है इसका चार्टन हम पेशेंट को दे सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण है, वासा सिरप की मैंने बात की है। फिर बाद में आप जो है इसमें और आयुर्वेदिक क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में जो बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि च्यवनप्राश आंवले भी अवेलेबल है, वो भी आप इसमें जो है वापर सकते हैं दोस्तों। फिर आप इसमें जो है, अगर आप किसी पेशेंट को दम लग रहा है तो उसमें श्वासकुटा रस जो है, ये आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है बैद्यनाथ का या किसी भी कंपनी का, वो वापर सकते हैं दोस्तों। फिर आप जो है बहुत सी मार्केट में इन्फ्लुएंजा के ऊपर टैबलेट भी अवेलेबल है, जैसा फीफा ट्रॉल, एमिल कंपनी का फीफा ट्रॉल टैबलेट है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। या एमीवीर, फाइटोफार्मा का एमीवीर टैबलेट है जो कि फ्लू के लिए यूज़ होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप जो है संशमन वटी, जिसका नाम है, इसको हम गुड़ुचिया दी घनवटी भी कहते हैं, उसका भी जो है कफ, कोल्ड, राइनाइटिस में जो है फीवर में अच्छा है यूज़ है। सो दोस्तों, त्रिभुवन कीर्ति रस, इसका भी रस जो है फीवर में बहुत अच्छा यूज़ होता है, रनिंग नोज में अच्छा यूज़ है दोस्तों। फिर आप जो है अलग अलग प्रकार की मेडिसिन यहाँ पे उपलब्ध हैं, जैसे कि जिसमें फिफाट्रॉल मैंने कहा, एमिवीर कहा, लक्ष्मी विलास रस भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें दम लगता है, कफ जिसको बहुत ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट में हम लक्ष्मी विलास रस यूज़ कर सकते हैं। गुरु जी की मैंने आपको बताया, तुलसी आप यूज़ कर सकते हैं, तुलसी आप यूज़ कर सकते हैं, तुलसी का रस भी ले सकते हैं, या तुलसी का ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अलग अलग प्रकार के मेडिसिन जो है ये वायरल इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स में हम पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, प्रिपरेशंस के बारे में बात करें, अगर आपको रनिंग नोज है या फिर आपको राइनाइटिस है, तो आपको पता होगा कि जिसको हम नेजल इरीगेशन कहते हैं, एलोपैथ में या मॉडर्न मेडिसिन में उसका नाम नेजल इरीगेशन है, सोडियम क्लोराइड से वो करते हैं, बट हम आयुर्वेद में उसको हम जो है नस्य कहते हैं, जिसमें हम नाक में तेल डालते हैं, जिसको हम नस्य कहते हैं, जिसमें अनु तेल का यूज़ हम करते हैं, बहुत से बुक्स में इसमें अवेलेबल है। नस्य करने के लिए हम ऐसा सर ऊपर करते हैं और नाक में तेल डालते हैं, वो जो तेल नाक में जाता है उससे जो है नेजल जो पैसेज है पूरा क्लियर होता है दोस्तों। तो उसकी वजह से क्या होता है, नेजल जो बैक्टीरिया या जो भी वायरस वहाँ पे उपलब्ध है वो सब वॉश आउट हो जाते हैं दोस्तों। वो जो है आपके थ्रॉट में आते हैं, उसको आपने गार्गलिंग करके बाहर निकालना है। ये एक नस्य जो है एक बहुत बड़ा उपक्रम है, जो कि पंचेंद्रिय जो आपका ऊपर का जो इंद्रिय है वो खोलने के लिए जो नस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। वो आपको आज का जो ये टॉपिक है अच्छा लगे,